तो इस गोभी के पकौड़ों को हम टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो यह कितना क्रंची है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस गोभी के पकौड़ों के लिए हमने लगभग 15 से 20 गोभी की कलियां लिए हैं, और हम जो चावल का आटा लगभग 60 से 70 ग्राम लेंगे आधी कटरी के आसपास, और ये मैदा भी लगभग बराबर मात्रा में लेंगे दोनों 60 से 70 ग्राम, और अदरक हमने इसे कूट के डाला है, हरी मिर्च, नमक, और मसाले में हमने धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाले आधे आधे चम्मच दिया है, और इसमें हम मंगरेला और अजवाइन इसमें ऐड करके इसे मिला के इसे पानी डाल के थोड़ी थोड़ी करके इसे हम घोलेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली इसका घोल तैयार हो चुका है। अब हम सारे गोभी को इसमें डालेंगे, इसे 10 मिनट तक के लिए हम छोड़ देंगे इसे कवर करके। तो सारे गोभी को हम इसमें डालेंगे। आपने बेसन के पकौड़े तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप एक बार बना के अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। इस मैदे और चावल के आटे से बने गोभी के पकौड़े, इसे गोभी का बोंडा भी आप बोल सकते हैं। तो अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए हमने तेल को गर्म कर लिया है, और इसे बारी बारी से हम इसी प्रकार से डालेंगे। तो सारे गोभी को हम इस प्रकार से इस डो में लपेट के हम डालेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली। तो अब हम इसे पलटेंगे एक चम्मच की मदद से, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए ये हमारा एक तरफ सिक चुका है, दूसरी तरफ इसे सेकेंगे। तो इसी प्रकार से आप ट्राई करें। बेसन के पकौड़े खा खा के बोर हो गए होंगे, तो इस प्रकार से आप अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। आप देखें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए हमारा फाइनली तल चुका है ये गोभी के पकौड़े। तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली बिल्कुल क्रंची गोभी के पकौड़े बनके तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली। अब हम इसे टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व कर लेंगे। और ये देखिए ये कितना क्रंची है, खुद आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसे हम तोड़ के भी देख लेते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ये गोभी हमारा बिल्कुल फ्राई होकर सॉफ्ट हो चुका है, और ऊपर से बिल्कुल क्रंचीनेस। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, आपको अपने घर पे बना के हमें कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।